इस रात के झुरमट में अल्लाह की बेपनाह रहमतों का नज़ूल होता है। इतनी रहमतें उतरती, इमाम कवैरी लिखते हैं कि रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों में उन रहमतों को तकसीम कर दिया जाता, रहमतें फिर भी बच जाती हैं। जितनी फरिश्ते लेकर रहमतें आते हैं, वो रहमतें सबको देने के बावजूद भी रहमतें बच जाती हैं। फिर वो रहमतें दारुल हरब में रहने वाले काफिरों में बांटी जाती हैं, और जिस जिस काफिर को उस रहमत से हिस्सा मिलता है, अल्लाह उसे इस्लाम अता फरमा देता है। ये जो आप आए दिन सुनते रहते हैं कि फलां ईसाई मुसलमान हो गया, फलां हिंदू मुसलमान हो गया, तो इमाम खवैरी आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं, ये शबे कदर को आने वाली रहमतें होती हैं, मुसलमानों की झोलियां भर दी जाती हैं, और फिर उसके बाद जब रहमतें बच जाती हैं तो वो दारुल हरब के अंदर रहने वाले कुफार को बांट दी जाती हैं, और उन्हें अल्लाह फिर बाद में ईमान अता फरमा देते हैं। और एक रिवायत के लफ्ज़ इस तरह हैं कि फिर वो रहमतें छोटे बच्चों में बांट दी जाती हैं। अल्लाह की रहमतें कितनी अमीम हैं और उसकी रहमतें कितनी वसी हैं। अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की थी कि मालिक, मैं अब अपनी उम्मत को तेरा सलाम पहुँचाता हूँ, तेरी जानब से जो सलामतियाँ वसूल करता हूँ वो अपनी उम्मत को मैं देता हूँ, तो जब मैं चला जाऊँगा तो तेरी तरफ से उतरने वाली सलामतियों को, सलाम को मेरी उम्मत तक कौन पहुँचाएगा। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल कदर नाजल की, इसमें फरमाया, सलाम महबूब फिक्र न कर, फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो क़यामत तक तेरी उम्मत पर सलामतियाँ नाजिल करते रहे। तो इस रात के झुरमट में बेपनाह बरकतें। वैसे तो हदीस शरीफ में आता है कि इसको ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, लेकिन हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खाया करते थे कि मुझसे कसम ले लो कि शब कदर जो है वो 27वीं की रात है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं ज़िंदगी में दो मरतबा शब कदर को पाया है और दोनों मरतबा 27वीं शब को ही पाया है। हज़रत अबुल हसन एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं, जब से मैंने होश संभली है उस वक़्त से लेकर अब तक हर साल मैं शब कदर को पाता हूँ, और मेरा तजुर्बा ये है कि अगर पहला रोज़ा पीर का हो तो शब कदर 21 तारीख को होती है, और अगर पहला रोज़ा जुमारात का हो तो शब कदर 25 तारीख को होती है, और अगर पहला रोज़ा जुमे या मंगल का हो तो शब कदर 27 को होती है, और अगर पहला रोज़ा जो है वो इतवार या बुध का हो तो शब कदर 29। उसकी रहमतें बाजू फैलाए आवाज़ देती हैं बंदे को कि कोई है बख्शिश मांगने वाला, कोई है रिज्क मांगने वाला, कोई है सवाल करने वाला, मैं उसकी झोलियाँ भर दूँ। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। सिर्फ चार अशख़ास हैं जो इस रात महरूम रहते हैं। एक आदि शराबी, शराब का रसिया, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा कातिउ रहम, खून के रिश्तों को तोड़ने वाला, और चौथा वो शख्स जो सख्त दुश्मनी रखने वाला है, और सख्त दुश्मनी उसको कहते हैं जो 3 दिन से ज़ायद हो, क्योंकि मोमिन जब एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते, तो जो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ हैं उनको सख्त दुश्मनी रखने वाला कहा जाता है। तो इस रात की झुरमट में, इस रात के हसीन लम्हों के अंदर ये चार बंदे अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाते हैं। अगर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस रात का हिस्सा उनको भी अता फरमा देगा। और एक हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स शब कदर को 2 रकत नवाफिल इस तरह अदा करे कि सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह अखलास पढ़े, उसके बाद सलाम फेर के कहे अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और ये 70 मरतबा पढ़े बाद में, तो अपनी जगह से उठेगा नहीं कि अल्लाह उसे भी और उसके माँ बाप को भी बख्श देगा। ये अल्लाह उसे इनाम अता फरमाता है। इंशाल्लाह बाद में हम इसका अहतमाम करेंगे। और भी नवाफिल वज़ाइफ़
और मुख्तलिफ जो हैं वो शब कदर की बरकतें और फजीलतें हैं। सूरह तकासुर और उसके बाद सूरह अखलास पढ़ने का हुक्म है, और वो चार रकतें हैं, 70 मरतबा पढ़ी जाएँ। दीगर मुख्तलिफ जो हैं वो उलमा ने अपने अपने तजुर्बात और उनको जो रिवायात मिली हैं वो उम्मत तक मुंतकिल की हैं। तो ये रात अपने दामन में इस एतबार से बहुत सारी रहमतें लिए हुए हमारे यहाँ जलवागर है। अल्लाह ताला इस रात की बरकतें हम सब को नसीब फरमाए। इसको तौबा व इनाबत की रात भी कहा जाता है। जब इंसान जागता है इस रात में तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू मा कबल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वो फरमाया कि मन कामा लैलतस्याम, लैलतुल क़द्र इससे मुराद है, ईमानम व एहतसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, जिसने लैलतुल क़द्र को क़याम किया अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ईमानम व एहतसाबन, दो शर्तें, एक ईमान की हालत में हो और दूसरा अपने नफ्स का मुहासबा कर रहा हो, क्योंकि अपने नफ्स को मुहासबे में रखना चाहिए, इसको बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं कह रहे हैं उस पर मानन इस्तेहज़ार मौजूद हो, और हम अगर तौबा करें रुजू लाएँ उसके हुजूर तो वो सिर्फ़ ज़ुबान से ना हो बल्कि हमारे दिल की अथाह गहराइयों से। फरमाया कि अत्ताइब मिन ज़म्बे कमल लाज़म वलहू वल मुस्तग़फिर मिन ज़म्बे वहुवा मुकीमुन अलैह कल मुस्तज़ी बिरब्बे, जो गुनाहों से तौबा करता है वो तो ऐसा है जिस तरह उसने गुनाह किया हुए नहीं, और जो तौबा करता है इस्तिग़फ़ार बार पढ़ पड़ता है, इस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, लेकिन वो गुनाहों को छोड़ने का इरादा नहीं पाता अपने अंदर, जमा हुआ है गुनाहों पर। कहा कल मुस्तहज़ी बिरब्बे, वो अपने रब से मजाक करने वाला है कि जिस पर इस्तिग़फ़ार कर रहा है उसको तो छोड़ ही नहीं रहा, उसका तो इरादा ही नहीं कर रहा कि मैंने इसको छोड़ना है, तो वो तमस्कुर करने वाला कहलाता है। तो जो हम दुआ मांगते हैं, जो हम कहते हैं, मानन उसका इस्तेहज़ार होना चाहिए, और जो हम अल्लाह से वादा करते हैं उस वादा को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला करीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने हुजूर से अर्ज़ की, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत है कि जब मैं शब कदर को पा लूँ तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ, तो हुजूर ने जो दुआ तालीम दी वो ये थी कि अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज़ करना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, करम फरमाने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझसे दरगुजर फरमा ले। तो यानी उस ख़ास लम्हे के अंदर अगर अल्लाह से कुछ मांगना है, जब शब कदर को पा लें, वो लम्हे आ जाएं, जब जिब्रील मुसाफा कर रहे हैं, जब बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं, दिक्कत तारी हो जाए, वो कैफियत बन जाए कि दिल कहे, विजदान इदराक करे कि यही लैलतुल कद्र है, यही वो लम्हे हैं, और ये जो मेरे ऊपर कैफियत है ये मुसाफा जिब्रील है, जब ये कैफियत मिल जाए तो उस वक्त अहम वक्त क्या मांगे, तो कहा अहम वक्त ये मांगे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो ये अहम दुआ है मोमिन की, जिसको तालीम दिया गया शब कद्र के हवाले से। आगे पीछे भी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगनी चाहिए। अगर इंसान के तौबा से गुनाह मिट जाते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, अफ़्वो करम का मुतालबा करने से, और अगर गुनाह ना भी हों तो अल्लाह ताला दर्जे बुलंद फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं हर रोज़ अल्लाह से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा, जबकि हुज़ूर के दामन पर तो गुनाह का एक दाग भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 100 मरतबा हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। और हम जो लुथड़े पड़े हैं गुनाहों से, सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी इसी दलदल में फंसी हुई है, तो फिर हमें तो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, इबरत अल्लाह नसीब फरमा दे। वो एक बच्चा था छोटा, जंगलों में रो रहा था और उसकी आंखों में आंसू उमट रहे थे और चीख रहा था, रो रहा था। कोई बुज़ुर्ग था, वो करीब से गुजरा, देखा बच्चे को रो रहा है, कहा बेटा क्या हुआ है? कहा अल्लाह से बड़ा डर लगता है। छोटा सा बच्चा 6-7 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, अल्लाह से डर लगता है। तो
उसने कहा बच्चा तेरे तो नामा अमाल में अभी गुनाह ही दर्ज नहीं हुआ, जब तक इंसान बालिग नहीं होता तो नामा अमाल नहीं खोला जाता, जब बुलूगत होती है तो फरिश्ते नामा अमाल खोल के बैठ जाते हैं। तो कहा तेरे तो नामा अमाल में गुनाह ही नहीं है तो तू क्यों रो रहा है। कहा मैंने अपनी अम्मी को देखा था कि वो चूल्हे के अंदर लकड़ियां डालकर उनको आग लगाती थी, आग नहीं लगती थी, दिया सलाई बुझ जाती थी। उसने छोटी छोटी लकड़ियां ली और उनको तोड़ के नीचे रखा, पहले छोटियों को लगाई और उनको लगी, फिर बड़ियों को लग गई। तो मैं उस वक्त से चीख रहा हूं कि अशर के दिन जहन्नम के अंदर अगर बड़े बड़े गुनाहगारों को डाला गया, आग ना लगी तो मुझ छोटे को ना रख दिया जाए। यानी खौफ और खशियत का आलम देखिए। तो कहा मैं तो इस वजह से डर रहा हूँ, तो जिनके जुम्मे गुनाह भी नहीं है वो डर रहे हैं, रो रहे हैं। जिसके दामन को अल्लाह ने इस्मत के फूलों से मुजयन किया हुआ है, वो तो रोज 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से तौबा करें। और हम जो सरापा गुनाह हैं, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे ख्याल, हमारे कारोबार गुनाहों में लुथड़े हुए हैं सब कुछ। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह के हुजूर रुजू करें। ये एक रात 1,000 महीने से बेहतर हमें दे दी गई, 1,000 महीने की इबादत करें, 83 साल और 4 माह बनते हैं। इतनी देर कयाम में खड़े रहो, रुकू और सजदे में खड़े रहो और एक रात इबादत में गुजार लो। और एक रिवायत में पढ़ा जो इस रात में अल्लाह अकबर, जितनी देर में बकरी का दूध धोया जाता है, कितनी देर लगती है बकरी का दूध धोते हुए, इतनी देर कयाम किया खड़ा रहा इबादत में नमाज में, जितनी देर में बकरी का दूध धोया जाता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत और बख्शिश फरमा देता है और इसको पूरी लैलतुल कदर की फजीलत अता कर देता है। जिसने इतना कयाम किया जितना बकरी का दूध धोते हुए वक्त लगता है, तो अल्लाह ने ये मुझे और आपको तौफीक अता फरमाई और उम्मत को ये मिजाज अता कर दिया कि वो जितने मर्जी गुनाहगार हों शब कदर को तो जागने का मामूल बन गया है। और कईयों को अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी नसीब होती है, पक्की तौबा, और ये बहुत बड़ी दौलत है। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, मैं चूँकि तकरीर और गुफ्तगू लंबी नहीं करनी है, इख्तसार से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और हम मौत की आगोश में चले जाएं, फिर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। मुझे और आपको अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए।